माता दी। और इस वक्त मैं गुलाबी नगरी जयपुर के बापू बाज़ार में हूँ। और ये गुलाबी नगरी क्यों फेमस है वो एक दृश्य दिखाकर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ की जितनी भी इमारतें हैं तकरीबन गुलाबी रंग की हैं। आप स्टेशन से निकलकर यहाँ तक आएंगे हर जगह आपको ये रंग नज़र आएगा। यहाँ बहुत तरह के व्यवसाय होते हैं और यहाँ पे फॉरनर्स भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी सुबह का वक्त है तो थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चहल पहल काफ़ी बढ़ जाएगी। मैं आपको एक दृश्य जो दिखा रहा हूँ, ये जो इलाका अभी आपको खाली नज़र आ रहा है, महज एक घंटे के बाद यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाएगी। तो आज का कार्यक्रम हमारा पूरा जयपुर का है और मैं आपको समय समय पर अपडेट करते रहूँगा। आप मेरे साथ आइए और मैं आज आपको जयपुर की सैर कराता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे दिन चढ़ते जाएगा यहाँ पे कस्टमर आते जाएंगे। अभी सुबह का वक्त है और सुबह सुबह हमारी मुलाकात एक राजकोट से आई महिला से हुई है। मैं आपसे उनसे रूबरू कराना चाहता हूँ। मैम, आप यहाँ घूमने के लिए आई हैं? अच्छा, इनका बिजनेस ट्रिप है? बिजनेस ट्रिप है, तो यहाँ ये अपनी मार्केटिंग के लिए आई हैं। तो यहाँ आप किस तरह की कुर्तियों का परचेजिंग करते हैं? बेसिकली यहाँ जो कुर्ती मिलती है वही कलेक्शन हमारे यहाँ। अच्छा, तो इनका कहना है जो यहाँ का जो ट्रेंड है वही ट्रेंड इनके राजकोट में भी चलता है। तो ये मूलतः एक व्यवसायी है, तो व्यवसाय को किस तरह से आगे बढ़ाना है इनसे हमें सीखने की जरूरत है। शुक्रिया मैम। बहुत सुंदर है, पर्स है ना? बड़े बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ आपको वसीम भाई से ही मुलाकात करा देता हूँ। वसीम भाई सारा यहाँ का देखते हैं कारोबार। वसीम भाई, आप बताइए आजकल क्या ट्रेंड में है? सब ट्रेंड में जो रखोगे सब बिकेगा सर। इसके अंदर कलर बहुत है, आइटम बहुत है अपने पास। 10,000 आइटम है। माय गॉड, बहुत आइटम है। कंफ्यूज हो जाता है कस्टमर आता है तो यहाँ पे। वो तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ इतनी वेराइटीज हैं कि कोई व्यापारी भी कन्फ्यूज कर जाए। तो किशोर जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी वैरायटी है कि मतलब खुद कंफ्यूज है कौन सा साइज ले, कौन सा कलर ले। और चलिए अभी देखते हैं एक एक करके। तो आपकी तो साड़ी की दुकान है और इस लाइन में क्या आप अभी नया एक्सपेरिमेंट करने की सोच रही हैं क्या? ये तो बस अच्छा लगा तो सोचा कि रख लेते हैं, क्योंकि साड़ी के साथ लोग मैचिंग डालते ही डालते हैं। अच्छा, तो चलो एक बार नई शुरुआत करके देखते हैं। चलिए, आपकी शुरुआत वसीम भाई के सहयोग से पक्का सक्सेसफुल रहा। वसीम भाई की एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका ये कहना कि जो रख लो सब बिकना ही बिकना है, तो ये होता है कॉन्फिडेंस। और कुछ कहना चाहेंगे वसीम भाई? बस यही सर, बेड कवर कुशन कवर भी है अपने पास, सब मिलेगा। अच्छा, अम्ब्रेलाज वगैरह हैं, दुपट्टे हैं, जैकेट हैं, कुल्टे हैं, विंटर जैकेट आती है। अच्छा, सब अच्छा। मिलेगा सर अपने पास। चलिए ठीक है, एक पे सब मिलेगा आपको। चलिए एक बार हम लोग सारा आइटम देख लेते हैं उसके। एक बार मैं अपने ब्लॉग देखने वालों से ये कहूंगी, बोकारो वासियों अगर आप देख रहे हैं तो ये जरूर बताइएगा, अगर आपको जरूरत पड़े तो मेरे को जरूर एक लिंक भेजिएगा या फिर रिटर्न मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मैं जरूर वो सामान लेकर आऊंगी। चलिए, तो आज का जो दिन है ना पूरी तरह से मार्केटिंग के लिए समर्पित है। और मैं देख पा रहा हूँ मेरी धर्मपत्नी अभी पूरी तरह से तल्लीन है कपड़ों की खरीदारी में। और इस वक्त हम लोग एक बहुत ही प्रतिष्ठित दुकान में हैं जिनका रेडीमेड का कारोबार है। और ये यहाँ पे वन पीस लहंगा, घाघरा, और ये क्या क्या आप देख रही हैं आप बताइए, यहाँ पे क्या क्या परचेज कर रही है? यहाँ पे आपको स्ट्रेट सूट, घाघरे, शरारा सेट, पैंट सेट, गाउन्स वगैरह, मतलब बहुत ही वैरायटी है रेडीमेड यहाँ पे ना। तो आपका जो नीड था वो नीड यहाँ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बढ़िया ना। ये चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे वेराइटीज़ काफ़ी है। ये जयपुर का बापू बाज़ार स्थित एक शोरूम है, काफ़ी प्रतिष्ठित शोरूम है और लक्ष्मी टैक्स है ये। और मैं उनकी जो ऑनर हूँ, मैं उनसे एक बार आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। मैम, आप मेरे को एक बार ये बतलाइएगा,
आजकल ऑनलाइन का जो शॉपिंग हो रहा है उसे बेसिकली काम तो थोड़ा इफेक्ट हुआ है, लेकिन आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? ऑनलाइन वाले में सर आप क्वालिटी भी देख सकते हैं और जो आप पसंद करें वो चीज़ आती भी नहीं है, मोस्टली ऐसा होता ही है। रेट वाइज तो आप धोखा खाते ही हैं, दैट इज़ द मेन इशू। आप यहाँ पे शॉप पे आके क्वालिटी चेक कर सकते हैं, कपड़ा क्या है, कैसा है, एवरीथिंग, सब चीज़ों का। तो ये कहना था यहाँ के ऑनर का कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए और सामान अच्छा चाहिए तो आप किसी भी दुकान पे जाके ही परचेज किए, क्योंकि आपको ऑनलाइन बिजनेस में अक्सर हाँ धोखा मिलेगा, ये कपड़ा नहीं मिलेगा और ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। बापू बाजार से थैंक यू। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है एक ही कलर में आपको नज़र आएंगी, ये है गुलाबी शहर की विशेषता, जयपुर की ये खासियत है। ये सारी दुकानें बिल्कुल एक जैसी आपको लगेंगी, महलों के नीचे ये सारी दुकानें। और इस वक्त फाइनली हम लोग साड़ी सेक्शन में आ चुके हैं, जहाँ पर मोहतरमा देख रही हैं साड़ियों की कलेक्शन, ट्रेडिशनल बांधनी साड़ीज। तो काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं यहाँ पे, और ये सारा इन्होंने सेलेक्ट किया है, काफ़ी साड़ियाँ इन्होंने परचेज कर ली है और इसको लेकर अब वापस लौटेंगे हम लोग। शाम का वक्त हो चुका है, एक और काम करना है बेडशीट का, उसके बाद बैक टू होटल। चलिए, दुकान की परचेजिंग तो हो गई, अब अपनी व्यक्तिगत परचेजिंग में मैडम लग गई हैं। एक लेडी की जो फितरत होती है ना, उसकी चाहत कभी ख़त्म नहीं होती है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण है यहाँ मोहतरमा अपनी परचेजिंग के लिए बैठ गई हैं। तो दिन भर की अपनी दुकान मटाने के लिए उनको खुशी इसी में मिलने वाली थी। चलिए, जैसे वो खुश वैसे मैं खुश। पूरे दिन के काम के बाद अब अभी हम लोग होटल पहुँचे हैं, और हमने रात्रि के खाने में पनीर चिली लिया है, दाल फ्राई है, आलू जीरा है, सलाद है, और मैंने एक एक बाइट सब चीज़ों का टेस्ट कर लिया। बहुत ही स्वादिष्ट है खाना। अगर कभी मौका मिले तो होटल राजदीप में ठहरिए, बिल्कुल घर जैसा माहौल है, और यहाँ का जो खाना है बहुत ही उम्दा किस्म का है। सुबह उठ के जल्दी जाना है, इसलिए शुभ रात्रि, बाय बाय।